अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी रेसिपी है दाल भाटी, दाल गोश्त। इसके लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएंगे, और साथ साथ मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। इसके लिए मेरे पास जो है वो दाल चना है जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी, और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, ये आधा के जी है। तो इसको हमने सारी चीज़ों को कट्ठे कुकर लगाना है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दाल चना, और इसके बाद ये बीफ था, तो मेरा तो बीफ फ्रीज हो रहा था, लेकिन मैंने उसको मतलब पानी में पिघला लिया था। तो अब ये भी हाफ के जी है, और मैं बोनलेस बीफ जो है मैंने यूज़ किया है इसमें। इसके बाद सॉल्ट है, मैंने वन टी स्पून ऐड किया था। आप इसके अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे रेड पेपर, सुरख मिर्चें, ये मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी हैं। इसके बाद गरम मसाला 1 हाफ टीस्पून जो है वो मैंने ऐड किया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही हैं, और आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं रेसिपी को। अच्छा, ये चिली फ्लेक्स हैं, ये भी 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया था, टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। और ये है कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर, ये 1/2 टीस्पून ऐड करना है। इसके बाद ये ज़ीरा 1/2 टीस्पून है साबुत, और 1/2 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का पाउडर है, ये आपने ऐड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे 2 ये जो बड़ी इलायचियाँ होती हैं वो ऐड करनी है, और 2 जो हैं वो दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 इंच टोटल बनता है, और साथ थोड़ा सा फ्राई मसाला 1/2 टीस्पून जो है वो आपने ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि दाल का टेस्ट अभी बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई गोश्त का मसाला आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 दाने जो हैं वो लिए थे क्लोव्स, यानी कि लौंग, और 5 जो हैं ब्लैक पेपर, ये साबत मतलब पिसी हुई नहीं थी, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दी है साबत। और अब इसको हम मिक्स करेंगे, और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पानी जो है वो थोड़ा कम डालना है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना। मैंने यहाँ पे 3 ग्लास जो है वाटर के डाले थे। आप अपनी क्वान्टिटी के लिहाज से मतलब देख लीजिएगा, अगर आप कम क्वान्टिटी कर रहे हैं तो आप पानी भी इस लिहाज से कम कर लें। चलो जी, यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर लिया, और अब इसको लगा देंगे हम कुकर। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप लगाएं, और उसके बाद आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक शॉर्ट क्लिप ऐड किया था कि घर में आप अपना मतलब दही कैसे बना सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल नीम गर्म जो दूध होता है बॉयल, उसको आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में रखें, 1/2 कप या 1 कप, मैंने यहाँ पे 1 कप लिया था। उसमें मैं ये आपके सामने देख रहे हैं, मतलब 1/3 जो है 1/4 सॉरी ये योगर्ट जो है मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तब आप इसको मिक्स करके किसी भी गर्म जगह रख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो दही दही है ना, मतलब ये जो आपने जाग लगानी है, ये आपने बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि इससे जो होता है दही जो है जब बनता है तो खट्टा हो जाता है। अच्छा, ये अब आपने, मैं तो किचन में रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में मौसम जो है वो गर्म है, तो इसी तरह आपने इसको साइड पर रख देना, और सुबह इंशाल्लाह आपका दही बना होगा। चलो जी, यहाँ पे देख लें, अब मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी, और जो गोश्त है उसकी बोटियाँ जाहिर सी बात है वो गल तो जाता है, लेकिन आपने इसको मतलब मिक्सर से या चम्मच से आपने इसको मोटा मोटा मिक्स कर लेना है, ठीक है, मतलब आपकी बोटी साबुत भी हो और मिक्स भी हो जाए। यहाँ पे दूसरी साइड पर मैं तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए ऑयल 5 टेबल स्पून, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं खाने का। उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अभी इसको मैं गोल्डन जो है फ्राई करूंगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसका तड़का लगा लेंगे सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी हमने दाल में सारे स्पाइसेस हर चीज़ ऐड कर ली है, और इसलिए हमें अब तड़के में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये अब गोल्डन फ्राई हो जाए तो हम इसको ऐड करेंगे, और हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ ये बहुत ईजी जो है दाल भाटी की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई करके मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जो न्यू व्यूअर्स हैं, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैंने इसी वीडियो में अपना फेसबुक का और इंस्टा का भी लिंक ऐड किया है, तो आप उस वेबसाइट पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं ऐड करती हूँ, अगर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, जब मतलब आप सर्व करने लगें तो ऑलिव ऑयल जो है उसके ऊपर ऐड कर लें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।